अपना राजनगर एक्सटेंशन के अंदर, जहाँ पर करीब उसके अंदर 2500 के करीब फ्लैट्स हैं, जिसमें से 1500 प्लस फ्लैट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं, दो फेज डिलीवर्ड कर चुके हैं और तीसरा जो है थर्ड फेज जो है अभी डिलीवर्ड करना है। वहीं पर अग्रवाल हाइट्स करके है, वहीं पर राजनगर एक्सटेंशन के अंदर करीब 350 फ्लैट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड कर, बहुत बढ़िया। आज तक का जो है पिछले 30 साल का राकेश जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड को लेके, और एक टाइम पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टों पे काम नहीं करते हैं, अपना जहाँ जहाँ सेल्स हो रही होती है उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हुए उस तरीके से टाइम, और फाइनेंशली हर तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस AIG प्रोजेक्ट की अगर AIG रॉयल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग सेक्टर 1 से तो वाकिफ है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम लोगों को पता ही है, यस और नो? तो सेक्टर 1 जो है पूरे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा लो डेंसिटी वाला सेक्टर है। अपने प्रोजेक्ट के सामने भी आप देखें, ये 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर इधर की तरफ कोई हाई राइज आना है और आगे ग्रीन बेल्ट, इसके आगे करीब कितने मीटर की ग्रीन बेल्ट है, 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, जो अथॉरिटी से बिल्डर ही उसको मेंटेन करते हैं। जो भी यह प्रोजेक्ट है सबके सामने आप देखेंगे, सामने बोर वालों के मलबरी के नाम से जो है 2.5 एकड़ के फार्म हाउस टाइप उन्होंने डेवलप करे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 15 करोड़ से लेके 25 करोड़, जी 15 करोड़ से लेके करीब 25 करोड़, डिपेंड ऑन कौन सी लोकेशन है कहाँ पर उसका वार है, उस लेवल के वहाँ पर वो विला जो वो सारी चीज़ें वो डेवलप कर, सेंटर नोएडा से सबसे नज़दीक लोकेशन है ये अगर हम लोग बात करें, जैसे ये कनेक्टिविटी है वहाँ से आप आए और आप लेफ्ट में मुड़ गए। इस पूरे यहाँ पर रेट पर अगर हम एज ए रेट हम लोग बात करें जिस रेट पे चीज़ें बिक रही हैं, बगल में ही अगर हम बात करें अंबर की, मोबाइल बंद कर दो सर थोड़ी देर के लिए, अगर बात बगल में अंबर है 4000 प्लस का रेट है, 3800 से 4200 के करीब में बिकता है वो आफ्टर डिस्काउंट अगर हम लोग उसकी बात करते हैं। अभी यहाँ पे जो अच्छे अगर अच्छे प्रोजेक्टों से हम लोग तुलना करें, क्योंकि बहुत अच्छा आपने देखा क्लब वगैरह किस लेवल का बनाना है, माई वन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माई वन में अपने आप फिनिश होके मिलता है, ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है इधर उधर वो माई वन की कंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। क्लाइंट आता है उसको कंस्ट्रक्शन एकदम से समझ में आता है, ठीक है। और 4 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, 600 प्लस इसमें जो है टोटल फ्लैट है, 7 टावर बनेंगे जिसमें से अभी 4 टावरों पर काम चल रहा है, जहाँ पर हम बैठे हैं G, F और E, और उसके बगल में जो है जहाँ पर क्लब का ये दिखाया था उसके नीचे क्लब बनना है वो D टावर, ये 4 टावर हैं जिसके ऊपर काम अभी शुरू हो गया है। पहले 2 टावरों की पोजेशन जो है जून में है, अभी जून में, क्योंकि अभी जैसे इस टावर पे काम चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट्स के कि जी अभी तो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी 3 फ्लोर और बनने हैं, 3 फ्लोर बनने हैं जो कि 1 महीने का काम है माई वन के अंदर, और जितना भी फ्लोर बन रहे हैं अभी इसमें कोई प्लस्तर तो होना नहीं है, कि पहले भाई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो रहा है, प्लम्बरिंग वगैरह का सारा काम साथ के साथ चलता है, और आपने देखा है कि खिड़की वगैरह भी साथ में लगाना शुरू कर दिया। इस टावर में मेरे ख्याल से अभी लिफ्ट लगनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगी है लिफ्ट लग गई है, और इन दोनों टावर का, हालांकि इस टावर की पहले भी दी जा सकती है पोजीशन, बिल्कुल रेडी है पोजीशन के लिए, कई लोग